नेता बन जाना चाहिए, बट बीइंग अ सिविल सर्विस ऑफिसर ही डू लॉट्स ऑफ थिंग। कोरोना में उन्होंने इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी वो करते रहते हैं, रोड सेफ्टी के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। मेरे ख्याल से जितनी जाने रवि सर के इनिशिएटिव से बची है, वी शुड गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन। तालियों से स्वागत होता है एक बार और रवि सर का। मैं कहूंगा रवि सर आप आगे बढ़ो, मैं कहूंगा रवि सर और आप कहेंगे आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय इस कॉज के लिए निकाला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। थैंक यू वेरी मच।
मैं चाहता हूं क्योंकि गोविंदा जी बहुत सुरी लगाते हैं, बहुत so much sir. We also have our favorite singer Vaishali Saman joining us on the dais and Nayana Mukhe Marathi actress tensa zora apan talyani swagat karuya. I would request Mr. Rajiv Poddar to please come up on stage. Mr. Rajiv Poddar sir. धन्यवाद. दिस एंटायर प्रोग्राम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय डीएम फाउंडेशन. दीपाली मोकाशी यांच्या सौजन्याने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. एकदा जोरदार टाळ्या दीपाली मोकाशी यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. सर क्या कहना चाहेंगे अबाउट रोड सेफ्टी जो इनिशिएटिव लिया है सर ने और क्या? ये देखिए ये रोड सेफ्टी
ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम सबको शामिल होना चाहिए। और ये 2 महीने पहले मेरी रवि गायकवाड़ साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपको आना है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम रखा है, ज़रूर मैं शामिल होऊंगा उसमें। इससे पहले अवेयरनेस जो है वो क्रिकेट के ज़रिए उन्होंने करवाने की कोशिश करी, 1-2 बार रोड सेफ्टी सीरीज़ भी करवाई जो लोगों ने देखी तो बहुत, पर उसमें जो क्लियर मैसेज था वो नहीं दे पाए कि ये रोड सेफ्टी सीरीज़ किस लिए हो रही है। इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग द राइट मैसेज कि रोड पे गाड़ी चलाते हुए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो क्या क्या होने चाहिए, कैसे कैसे चीज़ों के साथ चलना चाहिए, हेलमेट कितने ज़रूरी हैं वो पहनना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत बार हमने देखते हैं कि हेलमेट होने के बावजूद भी पीछे बंदा लेके बैठा हुआ है या रखा हुआ है, जब पुलिस वाले को देखते तब पहनते हैं। तो उन सब भाइयों को मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हेलमेट पहनिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए, वो आपको फ़ाइन के लिए नहीं है, क्योंकि फ़ाइन तो आप भरपाई कर लोगे, बट अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर जान जाती है या चोट लगती है, उस चीज़ की भरपाई होती नहीं है। तो ये एक क्लियर कट मैसेज है सबके लिए, और जितनी अवेयरनेस इसकी होगी उतना अच्छा है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बहुत बार काफ़ी अवेयरनेस फैलाई जाके, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से फिर भी वो चीज़ वो नहीं करते। रोड्स काफ़ी ऐसी होती है जो प्रॉपर नहीं होती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी कमी आ जाती है, इस चीज़ को आप किस तरीके से? देखिए, रोड जैसी हैं पर गाड़ी आपके हाथ में है, ठीक है, गाड़ी आपने कैसे चलानी है वो आपको देखना है, ठीक है। जैसी रोड है आप मान के चलिए कि आज नहीं तो कल ठीक होगी, जब ठीक होगी, पर उस समय जब आप गाड़ी चला रहे हैं वो रोड तो उस समय तो चेंज नहीं होगी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी जो है वो निगाहें तो सतर्क रखें ना। बहुत बार हम स्लोगन देखते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, पर बहुत बार हम ऐसे किस्से पढ़ते हैं कि ड्रिंक करके ड्राइव करते हुए ऐसा हादसा हुआ जिसमें पूरे परिवार की जान चली गई, तो उसमें बाकी के परिवार वालों का तो कोई दोष नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक नागरिक होते के नाते ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि जो रूल्स हैं उनकी पालना करें, और वो सिर्फ ऐसे देखने के लिए नहीं कि कुछ पढ़ा है लिखा है तो पढ़ लिया उसके बाद भूल गए। तो कुछ चीज़ें हमें करनी है एज ए नागरिक, जो ट्रैफिक पुलिस है वो जो नियम लगाए हैं वो वहाँ पे खड़े हैं, वो आपको रोक रहे हैं तो रुकिए, अगर नहीं आगे रास्ता ठीक है, अगर रोक रहे हैं फिर भी लोग वहाँ जाते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें करनी है एज ए नागरिक। तो एक क्लियर मैसेज यही देना चाहूँगा कि अवेयरनेस जितनी मर्जी फैला लें पर जब तक हम सबके अंदर से वो नहीं आएगा भाव कि नहीं हमें चेंज होना है, जब तक हम चेंज नहीं होंगे तब तक वो सेफ्टी जो है वो इर्द गिर्द हमारे होगी नहीं। और रोड सेफ्टी इज़ नॉट जस्ट अबाउट हाउ आई एम ड्राइविंग, सामने वाला बंदा कैसे चला रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे चलानी है। अगर वो सिग्नल तोड़ के आया है और आप तो अपने रास्ते पर सही जा रहे हो तो गलती किसकी हुई? तो इसलिए सबको इसमें ना एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। देखिए, छोटे होते हम भी गाड़ियाँ बहुत तेज चलाते थे, स्कूटर था मेरे पास और हेलमेट पहनते नहीं थे, पर बहुत बार गिरे हैं, चोटें भी लगी हैं। और जैसे अज़र भाई ने कहा कि उनको अपने बेटे की जान से हाथ धोना पड़ा, तो उनके बेटे चल बसे उसमें एक्सीडेंट में, तो हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसी कोई चोट नहीं लगी सर पे जिसके कारण कोई जानी नुकसान होता। पर ये अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि उन दिनों वो जो मज़ा लगता था वो गलतियाँ थी, और आने वाली जनरेशन को सिर्फ एक सीख यही दे सकते हैं कि वो गलती ना करें। वो छोटा सा आपका वो जो आप मज़ा लेने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती हो जाती है, कभी कभार इंसान तो चला जाता है पर पीछे आप बहुत सारे लोगों को ऐसा छोड़ जाते हैं जो सारी उम्र आपके लिए रोते रहते हैं। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.